सचिन गुप्ता, इनकी पहली फिल्म थी परांठे वाली गली, अब ये इनकी दूसरी आ रही है थोड़ा लुत्फ थोड़ा इश्क, तो अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा कुछ यही बताएंगे। हेलो, हमारी मूवी जैसे आपने देखा 10 जुलाई को आ रही है थोड़ा लुत्फ थोड़ा इश्क, सुपरस्टार्स कॉमेडी किंग राजपाल जी, संजय जी और अगेन एक और बहुत टैलेंटेड एक्टर हितेन का बहुत इंटरेस्टिंग छिछोरा बना है इस मूवी के अंदर। आपने अभी तक हितेन को बहुत ही एक अलग तरह के रोल में देखा है, इस फिल्म में आपको जो एक्चुअल है वो दिखाए। वो देखेंगे और साथ में नेहा है, भविता है, बाकी म्यूजिक जो आपने सुना वो म्यूजिक डायरेक्टर है विक्रम खजूरिया, विक्रम का है, बहुत अच्छा म्यूजिक है। पलक मिशाल, मोहम्मद इरफान, लाल जंजुआ सब हमारे प्लेबैक सिंगर्स हैं और भरत जी हमारे मूवी के बैकबोन है, जिनके बिना मूवी बनती नहीं है। संजना अगेन एक टैलेंटेड एक्टर है हमारी फिल्म के अंदर, एक स्पेशल अपीयरेंस है संजना का। राजा का सॉन्ग है हमारी मूवी में बहुत अच्छा, बावड़ी भूज, देवशी के देवशी हमारी लिरिसिस्ट है, जो गाने आपने सुने वो गाने लिखे हैं देवशी ने। मैं राजपाल जी को एक देना चाहूँगा। नमस्ते, बाकी प्रोमो तो देख ही लिया, प्रोमो के साथ में बैकग्राउंड भाई ने बता दी हमारे डायरेक्टर साहब ने, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। अच्छी फिल्म की अच्छी कास्ट क्रू के साथ काम करने का मौका मिला और एक चीज़ है कि अभी तक हितेन को बहुत टेलीविज़न में बहुत पिछले 10 साल से सबने एंजॉय किया, लेकिन ये फिल्म में हितेन के साथ में हम लोगों की जो एक ट्यूनिंग बनी पूरे इटावा से लेके दिल्ली और हर जगह, तो मैं ये कहूँगा कि हितेन के साथ अभी 2-4 फिल्में और करेंगे हम, और गॉड ब्लेस हिम, और हम तो ये कहेंगे कि टीवी से अब वेलकम टू आवर फिल्म इंडस्ट्री। और बहुत अच्छा लगा सबके साथ, सबने अपने अपने तरीके, और सचिन का जैसे पराठे वाली गली में, और सचिन ने जिस तरीके से एजुकेशन पाई है तो एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल और बहुत लेबोरियस और बहुत ही डेडिकेटेड सचिन का थॉट और प्रोसेस है, और इनके इंटरप्रिटेशन को बहुत फॉलो करने मज़ा आया, और कोशिश करेंगे कि ये यहाँ से शुरुआत है, कुछ अच्छे रिजल्ट आपके सामने पेश करें। थैंक यू सो मच। हमने सोचा हितेन बोली। थैंक यू राजपाल भाई, थैंक यू एवरीबडी, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं और आप सब, थैंक यू, बारिश के बावजूद आए, थैंक यू वेरी मच। बहुत सही कहा इन्होंने कि टीवी से एक कोशिश है, पहले भी फिल्म्स की हैं लेकिन ये एक अलग है। जब हम मिले सचिन जी से, पहली मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि हितेन ये एक ऐसा रोल है जिसमें तुम्हारी इमेज की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। मैंने ऐसे क्या करवाने वाले हैं आप मेरे से, प्लीज़ खुल के बताइए। फिर उन्होंने पूरी स्टोरी बताई और आउट एंड आउट टोटली हंसी मजाक कॉमेडी, टोटली कॉमेडी। फिर बाद में बताया कि राजपाल जी हैं, सब लोग हैं, तो मैंने बोला ये तो बहुत मज़ा आएगा करने में। वर्कशॉप्स हुए और उस हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने बताया था उस हिसाब से पूरी स्टोरी बनी है और लोगों के सामने है। एक अच्छी फिल्म, शॉर्ट एंड स्वीट रोमेडी, मतलब रोम कॉम, तो लोगों को बहुत पसंद आएगी पूरी उम्मीद है। हमने बहुत मेहनत की है, पूरी उम्मीद है कि आप सबको भी पसंद आए। तो थैंक यू सो मच राजपाल भाई, थैंक यू, मज़ा आया इनके साथ काम करके, इनफैक्ट सब लोगों के साथ काम करके। जैसे उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, पहले दिन से ही इतना अच्छा तालमेल बैठ गया हमारा, हो गया कि पता ही नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये हमारी फर्स्ट फिल्म है। एंड एज ही सेड, नॉट द फर्स्ट, डेफिनेटली और भी फिल्में आने बाकी है। तो थैंक यू। आगे और इसमें नारी शक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो नेहा की ये दूसरी फिल्म पराठे वाली गली से, और बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके के एक्ट्रेस जो हैं वो हमारे यूनिट में काम कर रहे हैं। संजना जिस तरीके से, अब उस लोकेशन पर सारी चैलेंजेस भी थी, लेकिन जिस तरीके से संजना ने वो
गाने में और जिस तरीके से वो थोड़ी सी कठिनता भरी सिचुएशन थी उसमें पूरा गाना बगैर किसी आलस के जिस तरीके से कंप्लीट किया, आई थिंक गॉड ब्लेस हर। और इनके डेडिकेशन और पैशन, इनकी मेहनत के हम सब लोग कदरदान हुए। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि एक कॉमेडी फिल्म है और मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके, राजपाल जी के साथ काम करके। आपको हमारी खट्टी मीठी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी स्क्रीन पे, और फुल ऑन धमाल मूवी है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। तो आप ज़रूर जाइए और देखिए थोड़ा लुत्फ थोड़ा इश्क ऑन 10th of July। भरत जी बोलेंगे कुछ, अभी बोल दिया मैंने, अब क्या? भरत जी कुछ नहीं बोलना चाहते। संजना my first film, I'm so happy. I'm so happy to work with Sachin ji and Rajpal Yadav sir and then Hiten Tejwani, because in shooting the spot and Rajpal Yadav sir ne mujhe kafi support kiya. I was so excited to work with him. I'm very big fan of him. Thoda sa dar bhi lag raha tha, but kafi itni down to earth and kafi support kiya. I was so happy. I'm so lucky to work with him. And गाना बहुत अच्छा है, सो ब्यूटिफुल सॉन्ग, वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर ममिता शर्मा। एंड हमारा डायरेक्टर जो है बहुत टैलेंटेड है, ये गाने में बहुत सपोर्ट किया मुझे, स्पेशली अकेला मुझे मतलब रिहर्सल में समझाया ये गाना ऐसा है, डू लाइक दिस। आई वॉज लिटिल स्कैर्ड बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म, आई एम फ्रॉम चेन्नई, सो आई वॉज लिटिल स्कैर्ड, बट काफ़ी सब ने बहुत सपोर्ट किया, आई एम सो हैप्पी। प्लीज़ सपोर्ट अस, थिएटर में जाके फिल्म देख के सपोर्ट करें, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, एक्चुअली मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ लेकिन देखता हूँ फिल्म बनाने में कितने स्ट्रगल, कितनी मेहनत, कितनी डेडिकेशन है। हर आदमी ने इतनी मेहनत करी है, मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत करके कहीं कुछ बड़ा करा जा सकता है। लेकिन अब हम बिजनेस करते हैं लेकिन देख के लगता है, इनको एक्टर को देख के लगता है कि एक्टर की लाइफ बहुत स्ट्रगल की है, बहुत डेडिकेशन की है और बहुत मेहनत की है। आप सब लोग कहने का धन्यवाद, थैंक यू। सचिन जी बोलेंगे। मूवी के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है म्यूज़िक का, तो विक्रम यहाँ पर है, तो विक्रम गुड इवनिंग। ये म्यूज़िकल कॉमेडी भी है, म्यूज़िक इसमें मेन एक है, चार पांच गाने हैं, ममता शर्मा पांच गाने सॉरी ममता शर्मा ने गाया है, लाभ झंझुआ ने गाना गाया है और मोहम्मद इरफान ने एक पलक मुच्छल ने गाया है। तो गाने अच्छे हैं, फ्रेश हैं, देवशी जी ने लिखे हैं बहुत ही सुंदर, और राजा साहू ने गाया है, तो अच्छे गाने हैं। मैं तो चाहूँगा कि राजा परफॉर्म करे एक गाना। बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि मैं कहना भूल गया कि एक सच में एक म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है, म्यूजिकल। सबसे पहले सबको प्रणाम। मेरा हमेशा मुझे देखा होगा कॉमेडी सर्कस में हंसाते हुए, वैसे आई एम अ विनर ऑफ कॉमेडी सर्कस 2020 विद निगार खान गोर्गन सिस्टर। तो आज पहली बार मेरा, जैसे इनकी पहली फिल्म है और मेरी भी पहली फिल्म है, मैंने जो बॉलीवुड फिल्म में गाना गाया, तो सो आई होप यहाँ से प्ले हो गया मेरे ख्याल से, है ना? तो आई विल ट्राई, की कोशिश करें आप सबको मिक्का का फ्लेवर नजर आएगा क्योंकि लगता कि वाकई मिक्का गा रहा है। ऑल सर एवरीवन, अजाज मिक्का सिंह नहीं हूँ, दर्शक मैं राजा हूँ। बहुत अच्छा माहौल, और एक हमारा छोटा भाई है जिसने सच में, हम लोग तो शूटिंग कर रहे थे लेकिन हमें लग रहा था कि दिन में कई बार पिटते और कहां से अभी पिटा। अच्छा चलो सब लोग पैकअप हो गया, संदीप देख ले पिटा तो नहीं, क्योंकि भीड़ में ज़्यादातर पिटने वाले काम बहुत, हर समय एज खेलता था, मैं चाहता हूँ तो दिए तो। हाय, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल।
It was a very nice experience working with Sachin ji and respected Hiten ji and Rajpal ji. And this is my first film. I'm coming on screen. This is my very small role in this film. But I'm very excited to working this kind of team, and the director is very creative. You will not believe, guys, sometimes a scene is not written before, but the Sachin ji, I appreciate the kind of mind he got it. He created a scene right now. You know, he didn't know about the scene, but he just created something, and that amazing. And Rajpal ji is a very good proof of these all things. So, the last I would say, during the film, the many kind of challenges came in front of the team, which is we survived very smoothly. And for me, I was shooting in my hometown, that was Ottawa. So you working anywhere in the world, that is totally different thing. When you working in your hometown, that's very proudful for you. So for me, this is very good experience, and I hope, I'm looking forward. Please, I'm waiting for 10th of July. You just come and see, come with the family and friends and appreciate our work, what we done, our positive and negative, let us know. Thank you very much. सचिन आपकी पहली फिल्म में किसने उठाया अच्छा डायरेक्टर सर आपकी पहली फिल्म दिल्ली बेस्ड थी ये फिल्म भी दिल्ली बेस्ड है तो दिल्ली से कोई खास लगाव है क्या आपको मैं दिल्ली से ही हूँ और लगाव मुझे दिल्ली से भी और ये फिल्म ज़्यादातर मेरी दिल्ली के बाहर यूपी साइड इटावा में हुई है शूट हमारी इटावा मेरठ में हुई है और कहीं ना कहीं जो कहानी थी कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं वो दिल्ली और यूपी के हैं तो इसीलिए उसको माइंड में रख के हमने फिल्म का जो शूट है जो लोकेशंस हैं थोड़ा उसको ऑथेंटिक रखने के लिए उसी एरिया में ही शूट किया व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ द लोकेशन हां लोकेशन अपने आप में कैरेक्टर है इस फिल्म के अंदर क्योंकि स्टोरी में जो एक्टर्स हैं जो कैरेक्टर्स हैं वो जो झुमरू है हमारे हितेन कैरेक्टर मूवी के अंदर उनको इश्क हो जाता है एक इटावा की लड़की से चुस्की से तो कहीं ना कहीं कहानी चुस्की नाम है हमारी जिनको झुमरू से इश्क होता है झुमरू को जिससे इश्क होता है तो कहानी के अंदर झुमरू और घुमरू कहीं ना कहीं उसी एरिया में घूम रहे हैं यूपी में लोकेशन के आसपास राजपाल बाकी तो सब ठीक है ये चंबल कहाँ पहुँच गए इश्क करने के लिए आप लोग नहीं नहीं हम लोग बस आधार इश्क करने में बिलीव नहीं माइक चंबल की जरा कुछ वहाँ क्या क्या मस्ती की आपने चंबल के बारे में मस्ती तो खैर काम में ज़्यादा मस्ती होती है और हमारे लिए जो कोई लोकेशन होती है और वो जिस सिचुएशन में आती है और उसके पीछे डायरेक्टर का जो इंटरप्रिटेशन होता है वही हमारे लिए सबसे बड़ी मस्ती होती है हम ये कभी नहीं सोचते कि हमें किस लोकेशन पे ले जाया जा रहा है हमें ये समझ में आता है कि हमारा डायरेक्टर अपने इंटरप्रिटेशन से अपने कैरेक्टरों को कहाँ लेके जा रहा है और फिर वो जो लोकेशन देता है उसमें जो मस्ती होती है उसमें कोई सस्ती चीज़ नहीं होती राजपाल नॉर्मली कॉमेडी फिल्म्स के अंदर दो किरदार के बीच केमिस्ट्री बहुत अहम रोल प्ले करती है तो हितेन के साथ केमिस्ट्री के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ा था मैं आपको आप पहले दिन से ऐसा नहीं लगा कि हमने पहली बार काम किया और हम जब ये फिल्म समाप्त हुई तो स्पेशली तीन चार एक्टर जो थे और एक्ट्रेसेस भी उसमें तो ऐसा लगा कि अपन एक काफिला जो है एक फिल्म का नहीं कई सारी फिल्मों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे और हितेन जैसा इंसान आज पिछले 10 साल से टीवी इंडस्ट्री के जो एक टॉप 5% में सेवा कर रहा हो तो एक अपने आप में ही बहुत डेडिकेशन पैशन उनके बारे में बोलना वो आप सबने भी उतना ही देखा है लेकिन जिस तरीके से इतना काम करने के बाद में आप फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म करने के लिए फिल्म की केमिस्ट्री से जुड़ते हो उसमें सब लोग अब जैसे मुझे 15 साल से लगातार फिल्म करने का सौभाग्य मिल रहा था
और उसमें हम दोनों ऐसे मिले थे, हमारी कम्युनिकेशन इतनी तगड़ी हो गई कि अभी ये फिल्म एक्चुअली सच में शुरुआत है। अभी दो चार सब्जेक्ट हम लोगों के वहाँ लोकेशन पे ही तैयार हो चुके हैं, जिनको साल दो साल हम लोग करने की कोशिश करेंगे। पहले आप लोगों ने लुत्फ उठा लिया, उसके बाद इश्क किया है, टाइटल से तो ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं तो बचपन से ये करता चला आ रहा इश्क देख पहले लुत्फ उठा लो, मतलब काम का भी, दाम का भी, शाम का भी, लुत्फ जरूरी है। अगर लुत्फ नहीं उठाया होता तो आज आप लोगों के साथ में यहाँ पे बैठने का सौभाग्य नहीं मिलता, क्योंकि अतः लुत्फ तो था, इश्क तो था वर्क से, लेकिन लुत्फ जो है आप घुटनों के बल पर पानी क्रॉस करके जब जाते हो पढ़ाई करने के लिए, और आपको चार महीने बरसात में कोई भी ऐसा साधन ना मिले जिससे आपके कपड़े बचेंगे, और उसमें भी आपको क्या काम, आप पढ़ाई का इश्क है, कुछ काम करने का इश्क है, इश्क कब आएगा पता नहीं, पहले तो ये काम करने का लुत्फ उठा लो। तो वो लुत्फ जो है लुत्फ इश्क में बदलता चला गया, और आज सच में कोई भी काम मिले तो अभी मृदुल जी मिलते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि आप या पन्नू जी मिले कि इश्क हम लोग क्या करते हैं, लुत्फ तो पहले आमने सामने खड़े एक दूसरे के हक करने से लेते हैं, वही लुत्फ जो है इश्क में परिवर्तित हो जाता है। एक टाइम के बाद आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, एक फैमिली की तरह बन जाते हैं, सेम टीम के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, तो इजी हो जाता है, मतलब वो जो बोलते हैं उससे पहले मैं समझ जाती हूँ, सो इट्स लाइक दैट। हाँ, मेरा कैरेक्टर है मिनी का, जैसे कि आप ट्रेलर में देख रहे थे, टू लोफर्स एंड टू झल्लीज, तो एक मैं हूँ और एक भविता सिंह है। तो मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही चुलबुला कैरेक्टर, शी इज़ वेरी शार्प, बट झल्ली झल्ली मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़, झल्ली पंजाबी वर्ड है जो कि शार्प माइंड होती है पर छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ कर जाती, जो भी है मुंह पे बोलती तो उसे झल्ली कहते हैं मुंह पर। तो मैं राजपाल जी के ऑपोजिट हूँ, तो आप सोचिए कि तड़का वो जो निकल के आएगा आपको वो फ्लेवर देखने को मिलेगा।
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. सारे सभी सीनियर एक्टर हैं फिल्म में, जैसे राजपाल यादव जी, संजय मिश्रा जी, हितेन तेजवानी, सुष्मिता मुखर्जी. इससे पहले वाली फिल्म से ज़्यादा ये चैलेंजिंग थी मेरे लिए, क्योंकि इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम करना इतना ईजी नहीं होता. और राजपाल जी की तो कॉमिक टाइमिंग इतनी अच्छी है, तो उनको मैच करना इट्स नॉट दैट ईजी. तो आई हैव टू बी इन दैट कैरेक्टर, तो हर टाइम मैं उस कैरेक्टर में नहीं रहूँगी तो एकदम से कैरेक्टर निकल जाता है. तो बट एक दो सीन्स के बाद तो ऐसी केमिस्ट्री हो गई थी जैसे चूहे बिल्ली वाली केमिस्ट्री है, तो नेचुरली सब निकल के आता था. चैलेंजिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब फैमिली की तरह हो गए थे, सभी इतने अच्छे हैं कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. मेरा वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती. डायलॉग अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है. जो भी समझ लीजिए. ओके थैंक यू. परांठे वाली गली पे सबने परांठे खाए, परांठे खाने के बाद में लुत्फ आता है परांठे खाने से, और लुत्फ के बाद इश्क होता है. तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वही जानी है ये. परांठे खिलाते खिलाते अब हम इश्क करा रहे हैं, इश्क कर रहे हैं. और कॉमेडी आई थिंक इतना ज़्यादा डिप्रेशन है पूरे वर्ल्ड में, थोड़ा कॉमेडी होना ज़रूरी है. नहीं, कहानी तो एक जब कहानी बन गई और जब कहानी के लिए किरदार ढूंढे गए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नेहा तो ऑलरेडी नेहा के साथ काम किया हुआ था और बहुत अच्छा नेहा ने काम किया, तो इसलिए नेहा को उस जो कैरेक्टर था हमारा उसके लिए चूज़ किया. बाकी हितेन के साथ एक मेरा थिएटर प्रोडक्शन चल रहा था, उसकी रिहर्सल चल रही थी, तो वहाँ से शुरुआत हुई हितेन के साथ में. तो बहुत अच्छा लगा हितेन को काम करके, और मुझे लगा जो मेरा कैरेक्टर है झुमरू का, वो हितेन बहुत अच्छा जस्टिफाई कर पाएंगे, और उन्होंने किया, बहुत अच्छा काम किया. और राजपाल आई थिंक कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, जिस सीन में वो होंगे तो वो सीन तो कुछ और ही होगा. और साथ में संजय जी ने, सुष्मिता जी, राकेश बेदी, सबका बहुत बहुत अच्छा काम रहा, बहुत अच्छा रहा. और भरत जी जो हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है, इस फिल्म को बहुत अच्छा बनाने में. वो टाइम था, चला गया. अभी आपकी फिल्म अगर अच्छी है तो ऑडियंस को एक अच्छी कहानी चाहिए, एक अच्छा, ये एक फैमिली एंटरटेनर है, कोई मतलब कॉमेडी भी है, लेकिन कॉमेडी को फोर्सफुली मतलब हंसाने की कोशिश नहीं की गई, सिचुएशन कॉमेडी है. वो ऐसा नहीं है, फिल्म के स्टार्स तो हैं जो टीवी से जुड़े हुए हैं या सिनेमा से जुड़े हुए हैं गाने. और आजकल क्या ना, स्टार्स का फेस नहीं देखा था, इसकी आर्ट दिख जाती है. आप जब फिल्म की एक्टिंग देखेंगे, फिल्म में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ फिल्म कुछ है. देखिए, जब आपको थोड़ा चैलेंजिंग होता है ऑडियंस को लाना, उसके बाद में सारा ऑडियंस का, ऑडियंस को सिर्फ कंटेंट चाहिए अच्छा, तो जब ऑडियंस आएगी देखेगी तो उनको बहुत मज़ा आने वाला है. इस फिल्म में राजपाल हैं, संजय मिश्रा हैं, तो वो दो ही अब बहुत भारी पड़ेंगे सबके ऊपर. तो और शायद थोड़ा सस्पेंस भी है, केमिस्ट्री भी है, सस्पेंस भी है फिल्म में. वो तो 10 जुलाई को पता लगेगा. कि कॉमेडी में भी सस्पेंस हो सकता है, ये लोगों को नया देखने को मिलेगा. एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमेना है कि टी वी से आदमी ग्रेजुएट होता है. जो एक्टर होता है जो टी वी पर काम करता है, उसका ग्रेजुएशन है फिल्म्स. मैंने ऐसा कोई एक्टर नहीं देखा जो टी वी पर होगा जो बोलेगा मैं फिल्म्स नहीं करना चाहता. उसका मेन मकसद वही होता है कि मुझे भी फिल्म्स करनी है, मगर यह है कि अच्छी फिल्म्स करनी है और ऐसा रोल करना है जो लोगों ने शायद पहले नहीं देखा. ये मेरी सोच थी, मैंने कभी कॉमेडी की नहीं है पहले, टीवी पे कोई ऐसा रोल नहीं किया जो लोगों ने मुझे कॉमिक रोल में नहीं देखा है.
यहाँ मुझे देखेंगे थोड़ा लुत्फ थोड़ा इश्क में और मज़ा उठाएंगे। I enjoyed it. I laughed it out, and I just fell in love with my character. Jhumru. See, बहुत ज़रूरी है when you are doing a character, you have to love your character. Otherwise, you can't justify the character. So I fell in love with Jhumru, and that is what I portrayed. नहीं डिफ़िकल्ट नहीं, एज एन एक्टर तो चैलेंजेस तो ऑलवेज वेलकम, और चैलेंजेस ना हों तो मज़ा क्या आएगा। अगर सब कुछ वैसा ही है, 15 साल से टीवी पर हूँ, कर रहा हूँ, अच्छा ही कर रहा हूँ और इजी ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट यस, लोगों को हंसाना इजी नहीं है, कॉमेडी इज़ नॉट ईजी, इट्स डिफ़िकल्ट। पर इस फिल्म के ज़रिए ये भी एक एक्सपीरियंस ऐड हो गया बॉडी ऑफ वर्क में। राजपाल जी, संजय मिश्रा जी, सुष्मिता जी, बड़े बड़े एक्टर्स लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और इन जिनकी कॉमेडी कॉमिक टाइमिंग्स कमाल की हैं, तो कैसे करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सीखने को मिला। और पहली फिल्म में ही इतना कुछ मिल गया, और क्या चाहिए। नहीं है उन्होंने, देखिए क्या दोनों ने ऐसा किया था कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को पकड़ के रखा, मैंने अपने कैरेक्टर को पकड़ के रखा, हमने अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिफिकेशन किया। कहीं पे भी हमारे जहन में भी ये बात नहीं आई कि यार ये सीन में तो मैं हावी हो जाऊँगा, या मैं खा जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, वो अपना कैरेक्टर कर रहा है, मैं अपना कैरेक्टर, दैट इज़ हाउ वी हैव डिफरेंट। डेफिनेटली सीन से पहले दोनों बात कर लेते थे कि भाई आप कैसे इधर से आओगे, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, बाकी जो सीन में हुआ तो वो एक वो दैट इज़ अ केमिस्ट्री। अगर मुझे पता है कि वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और मैं उसके ऊपर रिएक्शन कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल हो जाता है, पर लेकिन पता नहीं वो इंस्टेंट रिएक्शन आता है, वो एक कमाल का हो। पीपल शुड वॉच दिस मूवी बिकॉज पीपल लव मी, एंड सेकेंडली दे वॉन्ट टू सी मी इन दिस कॉमिक अवतार। थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है, लोगों को हंसाने की कोशिश की है, और वो भी ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती, बट इट इज़ सिचुएशनल कॉमेडी एंड इट इज़ रियली फनी, द डायलॉग्स आर रियली फनी, सो यू विल लव इट, कम वॉच इट एंड एंजॉय ऑन 10th of July, थोड़ा लुत्फ थोड़ा इश्क। थैंक यू सर। हाँ भैया, हाँ ठीक है, अब इधर उधर देखें तो हमें मदद कर देना कि सामने देखें। जी एक एंटरटेनिंग, एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी अच्छी सी मूवी है, जिसमें सब यंगस्टर के लिए ही सब अच्छा, एक हाजिर जवाबी जिसको बोल सकते हैं, बड़ी सिचुएशनल और एक कॉमिक रोमांटिक फिल्म कह सकते हैं इसको, और एक म्यूजिकल फिल्म कह सकते हैं। किरदार क्या है? हमारा घुंघरू का किरदार है, और एक घुंघरू और झुमरू दो दोस्त हैं, बेरोज़गार टाइप के लोग हैं, तो ऐसे आपको कैरेक्टर बहुत सारे गलियों में टहलते हर मोहल्ले में मिल जाएंगे, दो चार घुंघरू मिल जाएंगे, दो चार झुमरू मिल जाएंगे। जी मुझे गली के कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है प्ले करना, क्योंकि मैं गली के कैरेक्टर रियल लाइफ में कभी प्ले नहीं करता हूँ, तो लेकिन उनकी ऊर्जा को बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ गली के कैरेक्टर अगर प्ले करने को मिले, जिनको स्ट्रीट कैरेक्टर बोलते हैं, वो चाहे मोहल्ले के हों चाहे किसी भी तरीके, तो उनको ज़रूर प्ले करने की कोशिश करता हूँ सिनेमा के माध्यम से। अरे अभी तो जीवन की पूरी पिक्चर बाकी है। हमने कहा जो घट गया वो हकीकत है, जो नहीं घटा वो सपना है। और अभी पिछले 10 साल तो आप ये कह सकते हैं कि एक एक्टर को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अलग अलग परफॉर्म करने का। अगर एक सीरियस आंसर अगर आप सुनना चाहें तो पिछले 10 साल में तो एक एक्टर के रूप में एक प्लेटफॉर्म बनाने की जो कोशिश कर रहा था, जिसमें कभी कॉमेडी करने का मौका मिल जाता, कभी सीरियस रोल करने का, कभी सपोर्टिंग, कभी पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग कैरेक्टर करने का मौका जो मिला, तो उससे वैरायटी मुझे भी देने का मौका मिला और लोगों को भी थोड़ा ट्रस्ट आया कि राजपाल अलग अलग मानसिकता कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। तो अब जो है वो शायद एक्सपेरिमेंट बहुत काम आ रहा है, और आगे आने वाले दिनों में जो अगले 15, 16, 17, 18 जो आपको ये साल मिलेंगे देखने को, वो 100% राजपाल यादव की मास और क्लास और कैरेक्टर की जो
एक गंभीरता या उसमें बहुत काफ़ी आपको अंतर देखने को मिलेगा। जी, अगर आप उसे जानना चाहें कि आगे आप किसी कौन से एक्ट्रेस या एक्टर होंगे जिनके साथ काम करना पसंद है? जीवन में कभी भी नहीं, मैं कभी किसी के साथ ना काम करना चाहता हूँ ना ही काम करने से मिल सकता है। हमारा काम है अभिनय करना, और हमारी अभिनय की यात्रा में जो हमारे साथ में कोई एक्टर बना वही हमारा सबसे अच्छा कोई एक्टर। बहुत सारे हैं डायलॉग, मुझे आगे के डायलॉग याद करने पड़ते हैं, पीछे के डायलॉग भूल जाता हूँ। ये आप देखिए, नहीं नहीं वो वही डायलॉग, पता नहीं कि तू मेरा पीछा करते करते कैसे आ गई। डायलॉग नहीं बोला जाएगा मुझसे, मुझे डायलॉग नहीं बोला जाता है कभी। सचिन अच्छे हैं, तो आज के परिवेश में सोचने वाले डायरेक्टर हैं, और इन्होंने अमेरिका वगैरह से अपना अच्छा कोर्स वगैरह किया, और पराठे वाली गली में अच्छा एक्सपेरिमेंट था। तो एक सचिन में एक इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा है, और एक अंदर डायरेक्टर थोड़ा शैतान होना बहुत ज़रूरी, मतलब क्रिएटिव शैतान, और वो डायरेक्टर के डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा चार चांद लगाता है। सचिन में बहुत मासूम दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो छोटी छोटी शैतानियाँ हैं वो उनके डायरेक्शन बहुत काम किए हैं, और वो उनको यूटिलाइज़ करना भी जानते हैं। मुझे मज़ा आया, और सचिन के साथ एक फिल्म और कर रहा हूँ अगली, जो है वो अभी हरिद्वार में शूटिंग शुरू करेंगे एक डेढ़ महीने में, तो सचिन के साथ मज़ा आया काम। हीतेन 100% हीतेन इज सच ए वंडरफुल ह्यूमन बींग, और एज एन एक्टर तो हम आप सभी उनके काम से जो हैं वाकिफ़ हैं, और हीतेन जो है वो फिल्मों के लिए उनकी फिल्म पहली है, लेकिन उनको जानते सब लोग हैं, उन्होंने टीवी की सेवा की है, और मुझे एक को एक्टर के रूप में बहुत अच्छा उनके साथ मज़ा आया, और हम लोग इसी हंसी मस्करी के साथ कोशिश करेंगे कि दो तीन चार फिल्में जो हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हीतेन और हम लोग लिखेंगे। मैं सुकून देखता हूँ, मुझे सुकून मिलना चाहिए। मुझे अच्छा है 1985 से 2000 तक 15 साल थिएटर करने का मौका मिला, ट्रेनिंग करने का मौका मिला, जिसमें 500 नाटक किए होंगे तो 400 में दो दो तीन तीन घंटे स्टेज पर रहने का मौका मिला। पिछले 15 साल में 150 फिल्में जो है रीजनल, ऑफ कोर्स बॉलीवुड और हॉलीवुड, ये जो मिला, तो अभी मैं सुकून देखता हूँ। मुझे जिस कैरेक्टर में मज़ा मुझे आए, तो मुझे लगता है कि इसके साथ शायद मैं कम्युनिकेट कर पाऊँगा, और जो कैरेक्टर मुझे सुनने मज़ा ना आए वो कैरेक्टर मैं रिफ्यूज़ कर देता। कभी ऐसा लगा ना कि कॉमेडी कॉमेडी ये हमारी लड़ाई 10 साल से चल रही है, मैं ना कभी कॉमेडियन बनना चाहता था, ना ही मैं कॉमेडियन हूँ, ना ही मुझे कॉमेडियन का कोई ऐसा तमगा चाहिए। मैं एक छोटा सा अभिनय का विद्यार्थी हूँ, और अभिनय के जो यात्रा के दौरान जो भी कैरेक्टर हमें मिलता है उसकी मेंटालिटी को हमें जीने मज़ा आता है, और जो हम काम करते हैं उसका बेसिक कमिटमेंट ये है कि सामने वाले को मनोरंजन आना चाहिए, और हम कोशिश करते हैं कि हम मनोरंजन के विद्यार्थी हैं और मनोरंजन पूरी लाइफ करें। लेकिन कॉमेडियन और ये वो है, ये कैटेगरी में मुझे बचपन से बिलीव नहीं था, ना ही मैं बिलीव करता हूँ। इसके अलावा अभी तेलुगु हमारी लॉन्चिंग हुई किक टू, उसमें हमारा बहुत अच्छा एक अम्मा फिल्म की है हमने हिंदी और कन्नड़ा, एक फिल्म तमिल करने जा रहा हूँ, 10-12 जो हैं बॉलीवुड की फिल्में हैं जिसमें सब में लीड हैं, 2 हॉलीवुड की हैं उनमें भी लीड है, तो कुल मिला के अगले 2-3 साल में 17-18 फिल्में हैं जिनमें लगातार वन बाई वन सब में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ।